इसराइल हमास की जंग के बीच अमेरिका इसराइल की डिफेंस फोर्स की एक बटालियन पर बैन लगाने की तैयारी में है। नित्जा यहूदा नाम की इस टुकड़ी पर वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनों के खिलाफ मानवाधिकार के उल्लंघन का आरोप है। अमेरिकी मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि राष्ट्रपति जो बाइडेन जल्द ही बटालियन को ब्लैकलिस्ट कर सकते हैं। दरअसल नित्जा यहूदा इसराइल के कट्टरपंथी सैनिकों का एक दस्ता है जो वेस्ट बैंक में तैनात रहता है। इस प्रतिबंध के बाद इसराइली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू भड़क गए हैं। उन्होंने किसी भी प्रतिबंध को अस्वीकार करने की कसम खाई है। प्रधानमंत्री ने रविवार को कहा, मैं अपनी पूरी ताकत से लड़ूंगा। बता दें, अमेरिका अगर प्रतिबंध लगाता है तो यूनिट को सहायता नहीं मिलेगी। पिछले हफ्ते अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से इससे जुड़ा सवाल पूछा गया था। उसमें पूछा गया कि क्या वेस्ट बैंक में मानवाधिकार के हनन के आरोप में इजरायली रक्षा बलों की इकाई पर अमेरिकी सैन्य सहायता कटौती कर सकता है। इस पर ब्लिंकन ने कहा था, मैंने दृढ़ संकल्प लिया है, आने वाले दिनों में आप ये देखने की उम्मीद कर सकते हैं। अमेरिका इसराइल का सबसे बड़ा सहयोगी है, जिसने पहले कभी इजरायली डिफेंस फोर्स की यूनिट की सहायता पर निलंबन नहीं किया है। इजरायली सेना का कहना है, नित्जा यहूदा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत काम कर रही है। बटालियन के खिलाफ प्रतिबंधों के बारे में आईडीएफ को पता नहीं है। आईडीएफ व्यवहारिक तरीके से और कानून के अनुसार किसी भी असामान्य घटना की जांच के लिए काम करता है और करता रहेगा। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने अमेरिका के नित्जा यहूदा पर प्रतिबंध लगाने पर अपना इरादा छोड़ने का आह्वान करते हुए कहा है, दुनिया अमेरिका और इसराइल के बीच संबंधों को पहले से कहीं और अधिक करीब से देख रहा है। पूरी यूनिट पर प्रतिबंध का असर आईटीएफ पर भारी पड़ेगा। पार्टनर्स और दोस्ती के लिए ये सही रास्ता नहीं है। बता दें, नित्जा यहूदा की स्थापना 1999 में की गई थी। ये एक स्पेशल यूनिट है जिसमें अति रूढ़वादी यहूदी पुरुष सेवा देते हैं। वेस्ट बैंक में कथित दुर्व्यवहार को लेकर ये प्रतिबंध लगाने की योजना बना रही है। एक घटना की बात करें तो जनवरी 2022 में 80 साल के अमेरिकी फिलिस्तीनी उमर असद को वेस्ट बैंक में तलाशी के दौरान इजरायली सैनिकों ने बांध दिया था। इससे उनकी मौत हो गई। उस समय अमेरिका ने पूरे मामले की आधिकारिक जांच और पूर्ण जवाबदेही का आह्वान किया था। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।